गाइस, वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रिव्यू सीरीज, जहां मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 10 मोस्ट रिक्वेस्टेड प्रोडक्ट्स के डिटेल्ड रिव्यू। एंड इस सीरीज में है वो सारे प्रोडक्ट्स जिनके डिटेल्ड रिव्यू आप सबने रिक्वेस्ट किए मेरे कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन दो प्रोडक्ट्स का डिटेल्ड रिव्यू, विच इज मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश एंड मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क। शेयर किया था मैंने अपने चैनल पर आप सबके साथ पोस्ट होली स्किन केयर रूटीन, और उसमें मैंने रिकमेंड किया था कि आप होली के बाद अपने स्किन को सूट करने के लिए, अपने स्किन केयर के लिए आप मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क अप्लाई कर सकते हैं, इन केस अगर आप कोई डीआईवाई फेस मास्क नहीं बनाते हैं। तो उसी में मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि उन्हें इस मास्क का डिटेल रिव्यू चाहिए, इसलिए आप सबके लिए मैं बना रही हूँ आज का ये वीडियो। रिव्यू सीरीज के प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो द लिंक इज वेटिंग फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज आप उन वीडियोज को जरूर देखें। ऑल्सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। बात करें मामा अर्थ की इस फेस वॉश की, तो 249 रुपीज में 100 ml ऑफ प्रोडक्ट रिसीव हो जाते हैं आपको। इस तरीके के ट्यूब पैकेजिंग में ही आपको रिसीव होता है ये प्रोडक्ट। बहुत ही नॉर्मल सी ट्यूब पैकेजिंग है इसकी, जिससे आप प्रोडक्ट बहुत ही इजिली डिस्पेंस कर सकते हैं। बात करें ये प्रोडक्ट क्लेम क्या करता है, तो इट सेज मामा अर्थ उपटन फेस वॉश फॉर टैन रिमूवल, and the brand says ki it is paraben free, SLS free and dermatologically tested। by the way ye full size product nahi hai guys, this is sample product jo ki maine smitten app se order kiya tha to test this product। aur agar aap chahte hain ki smitten app ke bare mein main ek detailed video aap sabke sath share karun to aap please comment section mein mujhe bataye, main zarur aapke sath wo video share karungi। so full size packaging bhi is product ki exact same isi tube form mein hai, ek outer cardboard box mein receive hota hai aapko ye product aur अंदर की पैकेजिंग कुछ ऐसी है। ट्यूब के पीछे आपको फुल इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिल जाती है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है, साथ ही साथ आपको मिलता है डायरेक्शन ऑफ यूज और साथ ही साथ कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स। डेट ऑफ पैकेजिंग एंड डेट ऑफ एक्सपायरी आपको ट्यूब के अपर साइड पे मिल जाता है। एंड द ब्रांड ऑल्सो क्लेम्स कि ये जितने प्लास्टिक यूज करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं। मूविंग ऑन टू द एक्चुअल प्रोडक्ट कि कैसा है ये प्रोडक्ट, क्या टेक्सचर है, क्या इफेक्ट्स है हमारे स्किन के ऊपर, किस तरीके से काम करता है, चलिए उन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो ये बहुत ही माइल्ड फेस वॉश है गाइज, माइन्यूट स्क्रब पार्टिकल्स आपको इस फेस वॉश में रिसीव हो जाते हैं जो कि स्किन के ऊपर बहुत ही माइल्ड है, बिल्कुल भी आपके स्किन के ऊपर हार्श फील नहीं होते हैं, बहुत ही माइल्डली स्क्रब एंड एक्सफोलिएट करते हैं आपकी स्किन को, आपके डेड सेल्स रिमूव करते हैं। यूज करते वक्त ऐसा भी बिल्कुल नहीं होता है कि आपको बहुत ज्यादा लैदर मिलेगा इस प्रोडक्ट में, बहुत ही माइल्ड फेस वॉश है गाइज। एंड इसे अप्लाई करने के बाद, फेस को अच्छी तरह वाटर से वॉश करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट एंड सपल लगती है, बिल्कुल भी आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता। एट द सेम टाइम ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो फेस वॉश करने के बाद भी आपकी स्किन ऑयली फील हो रही है। मैं काफी टाइम से इस फेस वॉश को यूज कर रही हूँ गाइज। स्टार्टिंग में जब एक दो बार मैंने इस प्रोडक्ट को यूज किया था, मुझे प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा था, मुझे लगता था कि कोई लैदर क्रिएट नहीं हो रहा है, ये मेरे स्किन को अच्छे से क्लीन नहीं करेगा, और क्योंकि मैं कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन साइड में, तो मुझे ऐसा भी फील होता था कि मेरे फेस का एक्सेस ऑयल इस फेस वॉश से रिमूव नहीं होगा। पर कुछ टाइम और यूज करने के बाद आई स्टार्टेड लविंग दिस प्रोडक्ट गाइज, दिस इज माई सेकेंड ट्यूब और ऑलमोस्ट खत्म है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये फेस वॉश, मैं काफी टाइम से इस फेस वॉश को यूज कर रही हूँ। ये फेस वॉश बिल्कुल परफेक्ट है आपके स्किन का डर्ट, पॉल्यूशन, एक्सेस ऑयल रिमूव करने के लिए। मूविंग ऑन टू मामा अर्थ का उपटन फेस मास्क, तो अगेन ये सैम्पल साइज प्रोडक्ट है गाइज, जो मैंने स्मिटन से ऑर्डर किया था। फुल साइज प्रोडक्ट आपको टब फॉर्म में मिलता है, जैसा कि आप समझ सकते हैं ये सैम्पल साइज है, तो एक्चुअल प्रोडक्ट का भी इनर प्रोडक्ट बिल्कुल सेम होगा। अगेन पैकेजिंग के ऊपर आपको सारे की इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं, डायरेक्शन ऑफ यूज मिल जाता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, सम कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स आपको पैकेजिंग के ऊपर मिल जाता है। इन दोनों ही प्रोडक्ट के मेन इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड है पैकेजिंग के ऊपर, विच सेज कि इसके अंदर एप्रिकॉट्स है, केसर है, टर्मरिक है, कोकम बटर है, बाकी की पूरी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आपको पैकेजिंग पे मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। इट ऑल्सो सेज दैट इट हैज एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, लाइटनिंग, ब्राइटनिंग एंड इट्स मेड ऑफ 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। बात करें इनर प्रोडक्ट की, तो काफी थिक टेक्सचर है इस प्रोडक्ट का गाइज, आप इसे फिंगर्स की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, ब्रश की हेल्प से अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, पर क्योंकि टेक्सचर काफी ज्यादा थिक है, मैं रिकमेंड करूंगी आप फिंगर्स की हेल्प से ही इसे अप्लाई करें, आप बहुत ही इजिली एक इवन लेयर अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ यूज में लिखा है कि फेस मास्क अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश करें, उसके बाद एक इवन कोट अप्लाई करें इस फेस मास्क की एंड उसे
से 10-15 मिनट्स तक आपको रखना है अपने फेस के ऊपर। 10-15 मिनट्स में वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा एंड उसके बाद आपको स्क्रब करते हुए अपने फेस पर से इस फेस मास्क को रिमूव करना है। डायरेक्शन ऑफ यूज में ये भी लिखा है कि आप ल्यूक वार्म वाटर से इसे रिमूव करें, पर मैं इसे नॉर्मल वाटर से ही रिमूव करती हूँ। गाइस, आप अगर फर्स्ट टाइम इस फेस मास्क को अपने फेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगी आप पैच टेस्ट जरूर करें। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए रिकमेंडेड है, सेंसिटिव स्किन टाइप के लिए भी रिकमेंडेड है, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप पहली बार यूज करें आप उसका पैच टेस्ट जरूर करें। ये फेस मास्क अप्लाई करते के साथ मुझे बहुत ही थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन फील होता है गाइज, पर क्योंकि मैंने बहुत बार इस फेस मास्क को यूज किया, अपने फेस को वॉश किया, एज सच मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि मेरे फेस पे, मेरे स्किन के ऊपर कोई ब्रेकआउट्स या एक्ने हो रहे हैं, तो आई थिंक कि वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको भी कोई माइल्ड बर्निंग सेंसेशन फील होता है, आई थिंक इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। एंड जब आप इस फेस मास्क को रिमूव करते हैं, अपने फेस को वॉश करते हैं, तो आपको एक कूलिंग सेंसेशन फील होती है, विच इज कम्प्लीटली नॉर्मल गाइज। मैंने आपके लिए इसे वेट वाइप्स की हेल्प से रिमूव करके आपको इसका इंस्टेंट इफेक्ट दिखाया है। आप इसे डायरेक्टली पानी से धो सकते हैं, आपको इसे वेट वाइप्स या वेट टॉवल की हेल्प से रिमूव करने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन टू व्हाट आई फील अबाउट दीज टू प्रोडक्ट्स, तो उपटन फेस वॉश मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है गाइज। आई थिंक मैं इसका बड़ा साइज परचेस करूंगी अपने लिए, बट उपटन फेस मास्क मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है गाइज। आपको एक इंस्टेंट सॉल्यूशन दे देता है अगर आप जल्दी जल्दी में है, आपके पास डीआईवाई फेस मास्क बनाने का टाइम नहीं है, तो आप जल्दी से ऐसा कोई फेस मास्क अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंस्टेंट लाइटिंग एंड ब्राइटनिंग दे देता है, पर मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग रन में ये कुछ इफेक्ट देने वाला है। लाइक अगर आप इसे कंटिन्यूअसली यूज करेंगे फॉर 2 मंथ्स और 3 मंथ्स तो आपको कुछ ऐसा कंसिडरेबल रिजल्ट मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। इट्स लाइक इंस्टेंटली अगर आपको कोई बना बनाया फेस मास्क अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करके जल्दी से रेडी हो सकते हैं। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट दीज टू प्रोडक्ट गाइज। मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं वीडियो में, फिर भी अगर मेरे से कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से जरूर पूछे, मैं जरूर आंसर करूंगी। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो गाइज। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना।